सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। अभी हम विधानसभा चुनाव को लेकर बालूमाथ प्रखंड के दुर्पा ग्राम में आए हैं और यहाँ के ग्रामीणों से पूछते हैं कि जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किस तरह का विधायक चाहिए जो इस क्षेत्र का विकास कर सके। कैसा विधायक होना चाहिए जो आपको क्षेत्र का विकास करे? विधायक ऐसा होना चाहिए कि जो मैंने कि क्षेत्र का विकास करे। और ऐसा है कि अभी हमारे इस क्षेत्र में बहुत सा समस्या है जिसका सोल्यूशन अगले 5 साल में रघुवर सरकार नहीं कर सकी है, इस बार हमको उम्मीद है वो करेगी। पहला मुद्दा है कि यहाँ पे 5 साल से हॉस्पिटल बन के तैयार है लेकिन अभी तक अभी डॉक्टर नहीं है। मेरा पहला मांग है कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर दे। दूसरा मुद्दा है 10+2 हमारे मुरपा में है लेकिन 10+2 में एक भी शिक्षक नहीं है, 10+2 के शिक्षक आएँ। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है इस क्षेत्र में आपका समस्या है कि जो नहर बन रहा है वो कम्प्लीट अभी तक नहीं हुआ है, वो पानी की समस्या भी यहाँ बरकरार रहती है, बारिश होता है उसमें खेती में आशा लोग लगाए रहते हैं। तो इस टाइप की सिंचाई की व्यवस्था हो ताकि हर किसान के यहाँ खेत में पानी जाए और जिससे आय का इनकम बढ़े, कृषि से आय का इनकम बढ़े। और मैं चाहता हूँ कि जो माइंस अगल बगल खुल रहे हैं उससे भी यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो क्या तो विकास देखने को मिला आपको इस गाँव में? अभी तक वैसा विकास नहीं, कुछ कुछ जगह में काम हुआ है, जैसे रोड बना है, 2-3 PCC इस गाँव में हुआ है और विशेष कोई खास विकास नहीं हुआ है। इस बार हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि मैंने कि विकास देखने को मिलेगा और जो प्रत्याशी हम लोगों से वादा करेंगे अच्छा विकास के लिए मैं उनको वोट करूंगा। क्या लगता है आपको किस तरह के विधायक होंगे इस क्षेत्र का विकास? देखिए हम लोग तो देख रहे हैं 5 साल से हमारे विधायक प्रकाश राम जी है और अच्छा विकास कर रहे हैं। हम लोगों ने तो इन्हीं पे उम्मीद लगाया है और इनका अच्छा खासा रहा। रही बात अस्पताल का, तो हमसे अच्छा बेहतर बालूमाथ में है जो 5 सालों से नहीं 10 सालों से वो अस्पताल रोना रो रहा है। आज भी वहाँ विकास का कमी है, ना किसी मंत्री का ध्यान गया अभी तक। प्रकाश राम जी विपक्ष में रहे और बालूमाथ का हॉस्पिटल को भी ठीक नहीं करवा सके, ये हमको दुख है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार हमारे प्रकाश राम विधायक जो जीत कर और मंत्री बनेंगे और जो जन समस्या है, जो जनहित का कार्य है, जो नहीं हो पाया उसको करेंगे। जैसे हमने बार बार यह समस्या रखा कि यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है, जैसे कि हाई स्कूल है, ये हाई स्कूल अगर प्लस टू में हो जाता तो आसपास के 10 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए बालूमाथ या दिल्ली या रांची जाने की समस्या नहीं होती। और यहाँ प्लस टू स्कूल ना होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं और पिछड़ने के कारण है कि उनकी शिक्षा नहीं हो पाती है। और हमारा मूल समस्या यहाँ के सभी लोगों का है कि अगर मुरपा जिस तरह से हिरहंज बना प्रखंड और बारियातू प्रखंड बना, उसी तरह से अगर मुरपा भी बन जाता तो विकास का बहुत सारा काम होता। और हम लोगों ने उम्मीद बनाया है कि इस बार अगर प्रकाश राम जीतते हैं और मंत्री बनते हैं तो हम ग्रामीणों से यह डिमांड रहेगा कि सबसे पहला आप प्रखंड बनाएं और प्रखंड जब बनेगा तो उसके साथ साथ अपने आप प्लस टू हो जाएगा, अस्पताल की स्थिति सुधर जाएगी। अभी नहर का काम चल रहा था, नहर में कुछ पानी आया है और हमें उम्मीद है कि चुनाव के बाद यह नहर अच्छा बनेगा। हमारे प्रकाश राम जी पे हम लोगों ने बहुत विश्वास जताया है और हम उम्मीद करते हैं कि भारी मतों से ये विजय भी होंगे, जैसी लोगों का समर्थन मिल रहा है। एक अच्छे नेता हैं, सभी समस्याओं पे ध्यान देते हैं, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे किसी गरीब का बीमारी की समस्या है, इन सभी में वो अच्छा ध्यान देते हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रकाश राम इस बार भारी और पूर्ण बहुमतों से विजय होंगे। धन्यवाद। हमको तो ऐसा लग रहा है दोनों विधायकों को, हम लोग मुरपा तमाम पंचायत के जितने भी हैं, ठीक है, मतलब सभी लोग हम लोग देख चुके हैं दोनों विधायकों को।
जब से यहाँ का मतलब तमाम जनता का जितना भी मांग रहा है, सबसे प्रथम में रहा है मुरपा का प्रखंड के बारे में। और मेन बात है कि यहाँ का किडनी को ले जाने के काम किए हैं प्रकाश मतलब प्रकाश राम, समझ गए। तो यहाँ का युवा लोग का तो सबसे पहला मांग है प्रखंड के बारे में, ठीक है। इस चलते दोनों विधायकों को हम लोगों ने, युवा जितने भी मुरपा का तमाम है वो ऐसे दोनों ऐसे मतलब रिजेक्ट कर रहे हैं। इस चलते हम लोग चाहते हैं कोई युवा संघर्षशील उम्मीदवार ईमानदार हो, जो कि करोड़पति लोग को छोड़कर और गरीब को संतोष पासवान हमारे निर्दलीय को मतलब हम लोग जिताना चाह रहे हैं, और उस उम्मीद से हम लोग खड़ा उतर रखे। समस्या जो आपके पास है जिसको लेकर उनका सारा चीज देखा जाए, छवि के हिसाब से देखा जाए, ईमानदारी के हिसाब से देखा जाए। गरीब वो जरूर है, गरीब तो है जरूर, लेकिन वो पैसा के लिए सिर्फ गरीब है, वो समझ लिए ताकत के लिए अपना शरीर के हिसाब से बहुत वो मतलब अमीर है उस हिसाब से। और वो अपना समस्या अपना यहाँ रहा है जो इसको लेकर आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छा सो विधायक बने। प्रखंड मेन मुद्दा रहा है मुरपा का तमाम युवा लोग का, कि प्रखंड को उन्होंने जो यहाँ से रिटायर करके बारी आतु जो लगे, ठीक है, उसको लेकर के हम चाहते हैं कि हम लोगों तमाम युवा लोग जो है सो बागी हैं। और हम लोग जवाब दे यहाँ से मतलब अपार मतों से हम लोग विजय बनाना चाहेंगे, इतना ही बाना चाहिए। क्या हम उनको समस्या को लेकर वोट देना चाहेंगे? यहाँ पर बहुत सारे समस्या जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, और हम उस ईमानदार नेता का वोट करेंगे जो स्वास्थ्य और शिक्षा और स्वास्थ्य के विषय में ध्यान देंगे। तो क्या मूलभूत समस्या आपको लगे जो क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया? अभी तक किसी भी क्षेत्र में कोई भी विधायक है तो मंत्री किसी क्षेत्र में विकास नहीं किया, ना रोजगार के क्षेत्र में, ना शिक्षा के क्षेत्र में, और ना स्वास्थ्य क्षेत्र में मिल रहा है। हर आदमी के बारे में बहुत ही जरूरी है, मूलभूत ये है कि स्वास्थ्य के बारे में अच्छा विकास हो, शिक्षा के बारे में अच्छा विकास हो, और रोजगार के बारे में अच्छा। अभी तक आपको जो सरकार रही कुछ भी विकास नहीं कर पाए, ना शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर पाए हैं, किसी भी सरकारी स्कूल में ना सही से टीचर हैं, और जब टीचर नहीं रहेंगे तो सरकारी स्कूल की स्थिति क्या होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ना हॉस्पिटल बन के खड़ा है लेकिन उसमें एक भी डॉक्टर नहीं, यहाँ से लेकर प्रखंड तक भी नहीं। रोजगार के क्षेत्र में देखा जाए तो किसी भी युवा को भी रोजगार नहीं कुल देने का काम किया किसी भी मंत्री ने। अरे कैसे विधायक है जो क्षेत्र का विकास? जैसे देखिए हम लोग को जितना अपेक्षा है उतना तो विकास नहीं हो पाई है, लेकिन अब करने का मतलब है कि जितना भी सरकार बनी उसमें सबसे ज़्यादा विकास है, और अब हम लोग को थोड़ा बहुत जो उम्मीद है करने के लिए हम कुछ कर सकती है तो समस्या तो बहुत है। और अभी तक जितना भी विधायक बना मंत्री सरकार बनी लेकिन नहीं कर पाए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि दूसर पार्टी और कर पाएगी, थोड़ा बहुत की उम्मीद हम लोग को है तो भाजपा से उम्मीद है, और भाजपा ही इस समस्या का समाधान कर सकती है, पूरा कर सकती है। पूरा 100% तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो भी समस्या हम लोग को है वही कर सकते हैं, भाजपा से उम्मीद हम लोग को है। अभी हम लोग के क्षेत्र में और की अपेक्षा जो मतलब पहले के जो सरकार थी उससे ज़्यादा विकास हुआ, जैसे कि पीएम आवास हुआ, शौचालय हुआ, और रोड का काम जो हुआ, नहर का काम, तो काम तो हो ही रहा। 70 साल की अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा काम हुआ, 5 साल नहीं काम हुआ ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब पूरा समस्या तो एक बार नहीं खत्म हो सकता। अब कहने का मतलब है कि जैसे अभी खिचड़ी सरकार जो बनने वाली है वो महागठबंधन है, अब महागठबंधन में कैसे सबको पूरा कर सकता है? ये कहेगा कि हम करेंगे, वो कहेगा कि हम नहीं करेंगे, करने देंगे, तो ये संभव नहीं है। इन लोग खाली जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं महागठबंधन बना, इसलिए हम लोग को जो भी उम्मीद है वो बीजेपी से ही उम्मीद है जो अभी कर रही है। 70 साल की अपेक्षा ही बहुत ज़्यादा कर, ये बात हम लोग 70 साल के तुलना 5 साल से कर रहे हैं, इसलिए विकास हो गया। और उम्मीद हम लोग को भाजपा से है, और भाजपा जो उम्मीदवार हैं प्रकाश राम यहाँ पे मुरपा ग्राम में, ग्रामीणों का कहना है कि जो सरकार विधायक अभी काम की है उसके अच्छे कार्य रहे हैं, और जो भी इस क्षेत्र का जो विधायक बनेंगे वो इस क्षेत्र का विकास चाहिए, यहाँ जो
मूल समस्या है प्रखंड की, जो मुरपा प्रखंड जो नहीं बना इसके लिए ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है और ये चाहते हैं कि जो भी विधायक बने उस क्षेत्र का विकास करे, मुरपा को प्रखंड बनावे, यही इन लोग की यहाँ मांग है। उसी के आधार पर यहाँ पर लोग मतदान करेंगे। लंका सिन्हा, सिटी न्यूज़, बालूमाथ।